केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एक पुलिस कमिश्नर राजनीतिक नेताओं के साथ धरने पर बैठा है। ये क्या हो रहा है? धरने पर बैठकर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रही है। जिला कपूरथला के कस्बा नडाला गांव घग में एक महिला की स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो गई। इस संबंधी कमलजीत सिंह निवासी घग ने बताया कि उनकी पत्नी हरप्रीत कौर को पिछले कुछ दिनों से बुखार था, जिसके चलते बीती 20 जनवरी को उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस संबंधी डॉक्टरों ने बताया कि उनकी पत्नी स्वाइन फ्लू से पीड़ित थी। सीबीआई मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी के वर्कर सड़कों पर उतर आए हैं। फिलौर में सतलुज दरिया के पास जलंधर पुलिस की ओर से नाका लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इस अवसर पर जब पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोका तो उसके बैग में से लेडीज सैंडल बरामद हुए। जब पुलिस ने उन सैंडल्स की जांच की तो उनमें से आधा किलो हेरोइन बरामद हुई। इस मामले में आरोपी की पहचान मोहम्मद इरफान निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के डीएसपी लखबीर सिंह की ओर से इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल और एनडीए के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच बातचीत हुई है, जिसके साथ अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अजनाला डेरा बाबा नानक रोड पर पड़ते गांव नानकपुर थे के समीप बीएसएफ की गाड़ी को टक्कर मारने वाले बस चालक के खिलाफ अजनाला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना अजनाला के एसएचओ परमजीत सिंह विरदी ने बताया कि बीएसएफ के जवान रोशन सिंह, जो कि हादसाग्रस्त गाड़ी में सवार था, उनके बयानों पर बाबा बुड्ढा साहिब कंपनी की बस के चालक जसपाल सिंह निवासी दरिया मूसा के खिलाफ थाना अजनाला में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आज एक शॉपिंग मॉल में हुए कार बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। पठानकोट से तिब्बड़ी को जाती नहर में किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से जहरीला पदार्थ फेंकने के कारण हजारों के करीब मछलियों के मरने की खबर सामने आई है। सूचना मिलने पर विभाग ने तुरंत पानी का सैंपल भरकर लैबोरेटरी के लिए भेज दिया है। नहरी विभाग के उपमंडल अधिकारी ने बताया कि नहर में पानी का बहाव और तेज कर दिया गया है और इस मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। फगवाड़ा के नजदीकी गांव गंडवा में आज एक धार्मिक स्थान का लैंटर गिरने के कारण आधी दर्जन के करीब मजदूर घायल हो गए। घायलों को फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटियाला पुलिस की ओर से चार राज्यों में भगोड़े गैंगस्टरों को हथियारों सहित काबू किया गया। पुलिस ने इनको पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर काबू किया। पकड़े गए गैंगस्टरों के नाम नव लोहारिया, अंकुर सिंह प्रशांत को काबू किया गया। इनमें से नव लोहारियों के संबंध लॉरेंस बिश्नोई के साथ बताए जा रहे हैं। पकड़े गए गैंगस्टर एक कार छीनकर पटियाला से हरियाणा जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने 10 के करीब विभिन्न वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें नुक्कड़ ढाबा सेक्टर 22 चंडीगढ़ मालिक पर फायरिंग, अंबाला में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग, सोनीपत में पेट्रोल पंप से 60,000 की लूट, सोनीपत से ही एक और पंप पर लूट, कुंडली बैरियर दिल्ली के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी की छीना झपटी और इसके अलावा और भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए सभी नौजवान पढ़े लिखे हैं।